पर इस वक्त की बड़ी खबर कि सुजुआ हमले में मुलविस एक और मिलिटेंट कमांडर लापता हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिर से कहूंगी अज्ञात हमलावरों की जय हो, पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसिशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच कर दिए। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें तीन हैं। एक चीज़ यह है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ये तो सर दहशतगर्दी कम होने के बजाय नजर ये आ रहा है कि कुछ नए ग्रुप्स, नई तंजीमें, तरीके जिहाद पाकिस्तान क्या क्या निकल के सामने आ रहा है कि लश्कर ए तैयबा से ममनुआ तंजीम, लश्कर ए तैयबा से इनका ताल्लुक बताया गया था। और 2018 के सुजुआ टेरर हमले के अंदर जो इनका पसंदी का बड़ा हमला हुआ था 2018 सुजुआ के अंदर, ये माना जा रहा था कि ये शख्स जो है ये मास्टर माइंडेड है। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद द लश्कर ए तोयबा कमांडर जिसने सुंजनवाला वाली कैंप पर अटैक किया था। सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर ए तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात है। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी अभी मजीद और बढ़ेगी क्योंकि आपके अफगानी वापस जा रहे हैं। और कल आपको अफगानिस्तान के जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थ्रेट भी किया है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कर रहे हो इसकी इसके लिए तैयार भी रहना आप। नमस्कार दोस्तों, लश्कर ए तैयबा के कमांडर और साल 2018 में कश्मीर के सुजुवान आतंकी हमले के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक ख्वाजा शाहिद अलियास मियां मुजाहिद का लावारिस शव मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण कर लिया था और अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। मूल रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी के रहने वाले ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद ने फरवरी 2018 में जम्मू में सुजुवान सेना शिविर पर घातक हमले की योजना बनाई थी, लिहाजा उसके अपहरण और फिर उसकी मौत ने पाकिस्तानी अधिकारियों के माथे पर बल्ला दिया है। और रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी अधिकारी ये पता लगाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि आखिर कौन एक के बाद एक पाकिस्तानी आतंकियों को अगवा कर ठिकाने लगा रहा है। फिलहाल ख्वाजा शाहिद को किसने अगवा किया था इसका पता नहीं चल पाया, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना दोनों के लिए एक चुनौती है। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फिर से कहूंगी अज्ञात हमलावरों की जय हो, पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसिशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर ए तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया, वो देखने वाली बात है। भाई साहब गए हुए थे, ये जनाब गए हुए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, जहां इस वक्त मैं कहूंगी पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है, उस वक्त में ये 1400 रुपए के इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। इनके साथ में 5 से 6 लोग थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर नीलम वैली की एक शॉप में ये गए, पर ये वापस लौट के नहीं आए। वो 5 से 6 लोग वापस नजर आने लगे जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने तब शक जाहिर करना शुरू किया कि ही इज मिसिंग। तब पता चला कि 3 दिन से इनके वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं चल रहे, कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद द लश्कर ए तैयबा कमांडर जिसने सुंजनवाला वैली कैंप पर अटैक किया था, ये मास्टरमाइंड था उसका। और इस
राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 सिविलियन और बाकी इनके 3 72 हूरों से जाकर मिल गए थे. ही वॉज अ मास्टर माइंड, ही वॉज द वन हू एग्जीक्यूटेड. इन टोटल 9 वर किल्ड इन द इंडियन आर्मी कैंप अटैक. ही वॉज बिहाइंड इट. अब बात करते हैं कि उठाने की क्यों जरूरत है, वही ठोक दो. बट मैंने सुना अब एक नई तकनीक निकाली है, मोसाड से इंस्पायर्ड जो भी अज्ञात हमलावर हैं, अज्ञात बंदूकधारी हैं. देखिए उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी बंदा उड़ गया. पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो, कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले. अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए, अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था. मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली, उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी ISI वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए उनकी बॉडी को. अब लश्करे तैयबा में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है, लश्करे तैयबा में कहा जा रहा है 2 से 3 फ्रैक्शंस हैं. जी 2 मिनिमम और 3 की बात भी चल रही है. और ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में लड़ मरने को तैयार हैं और ये टेक ओवर करना चाहते हैं लश्करे तैयबा. लश्करे तैयबा के पास फंडिंग कहाँ से, सभी को पता है सऊदी वाज़ द वन विच क्रिएटेड इट. अब फंड्स ड्राई अप हो रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको टेक ओवर कर लिया जाए. ये कहानी चल रही है पीछे से. तो जब ये अज्ञात बंदूकधारी, ये अज्ञात हमलावर इनको लेकर गए हैं, तो शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात है. पर उस आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी. कल एक समिट हुआ जिसमें स्वयं मोदी जी थे और एक उनका स्टेटमेंट बड़ा मजेदार था. इंडिया यूज टू अपील टू द वर्ल्ड फॉर हेल्प आफ्टर टेरर अटैक्स. एक तो हमारे प्रधानमंत्री थे जो हम ना यूएसए से शिकायत करेंगे, हमें उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, वो खुद टेररिज्म से ग्रसित हैं. और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया जो कहता है कि हम शिकायत नहीं करेंगे, हम ठोकेंगे उन्हें शिकायत करने दो. इंडिया यूज टू अपील टू द वर्ल्ड फॉर हेल्प आफ्टर टेरर अटैक्स, नाउ दोज बिहाइंड अटैक्स अपील टू द वर्ल्ड टू सेव देम. दैट मीन्स घर में घुस कर मारेंगे. एंड दिस इज वॉट माई एजेंसीज माइट बी डूइंग बट वी डू नॉट हैव प्रूफ्स. विश वी हैड द प्रूफ्स तब हम और उछल उछल कर बात बताते. ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी है. एंड इट के नॉट बी डेफिनेटली ISI. बहुत लोपी होगी, स्लोपी होगी, बिकने को तैयार है. वो क्या करेंगे पैसों के, वो तो हमेशा से हायर एंड फायर पे हैं, जिसको बोलते हैं भाड़े पे अवेलेबल. ये खुद अपने लोगों को मार रहे हैं. इतना प्रोफेशनलिज्म, नो एविडेंस, CCTV कैमराज में फेसेस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, एकदम रेंज पर मारा जा रहा है. और कौन मारकर चला गया किसी को पता नहीं चलता है.